अच्छा भाई, किसी भी नई चीज़ की अनबॉक्सिंग करने का मजा अपना ही होता है, फिर चाहे वो लैपटॉप हो, एलईडी हो या स्मार्टफोन हो। और अगर वो चीज़ आपको कहीं से मिली हो और आपने खरीदी ना हो तो उसको अनबॉक्सिंग करने का मजा डबल हो जाता है। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा HP ProBook 450 जनरेशन 7 की, बड़ी मुश्किल से नाम याद किया है। और ये लैपटॉप मुझे कंपनी की तरफ से मिला है ताकि इस वर्क फ्रॉम होम के अमल में कोई खलल पैदा ना हो सके। तो ज़रा क्विकली चलते हैं और लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा लैपटॉप ये है। डेवलप पैक HP ProBook, इसके अंदर क्या क्या सामान आया है, लैपटॉप का बैग है, लैपटॉप है और चार्जिंग केबल है। तो निकालते हैं इसके अंदर से, सबसे पहले देख लेते हैं बैग। HP का बैग साथ में आया है। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें भी हैं, देख लेते हैं कि क्या चीज़ें साथ में भिजवाई हैं ऐड करके। ओके, ये है कॉल्टेल का माइक्रोफोन, इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं अभी। इसके अलावा इसके अंदर है एक वायरलेस माउस, इसके अलावा आई है साथ में एक अदद विंडोज की ओरिजिनल सीडी। इसके अलावा ये है चार्जिंग बॉक्स, इधर चार्जिंग कॉर्ड है और HP का ओरिजिनल चार्जर्स है। और अब निकालते हैं मेन आइटम। ProBook 450 जनरेशन 7 डब्बा जरा साइड में करते हैं और लैपटॉप को जरा खोल के दिखाते हैं। बॉडी, मेरा नाम लिखा हुआ है क्योंकि कंपनी ने भिजवाया है तो उन्होंने नाम की चिट भी लगाई थी साथ में। तो ये इसकी थिकनेस है, काफ़ी लाइट सा है, ये इसकी थिकनेस। मुझे मैकबुक टाइप का टच आ रहा है थोड़ा इसके अंदर। And I start to cry, 'cause I'm feeling good. It's hard to carry my house. Yeah, I'm feeling good. अगली साथ में ये आया है माइक्रोफोन, वो भी खोल लेते हैं। ये है माइक्रोफोन की एक्स्ट्रा केबल, ये है माइक्रोफोन, काफ़ी पक्का काम किया कंपनी ने, कि लड़का काम चोरी ना कर सके, मैं बिल्कुल सारी चीज़ें भिजवाई साथ में उन्होंने। तो ये थी अनबॉक्सिंग HP ProBook 450 जनरेशन 7 की। नाम रट चुका है, फ्लुएंसी के साथ निकल रहा है नाम, मतलब आप देखें लड़की के एफर्ट्स। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।